पर्सनली तूफान का टीज़र मुझे साइना के टीज़र से 10 गुना ज़्यादा बेटर लगा। जहाँ साइना का टीज़र ओवर ड्रामेटिक था, वहीं तूफान का टीज़र काफ़ी एनर्जेटिक फील दे रहा है। बात करें स्टार कास्ट की तो फिल्म में मृणाल ठाकुर ने तूफान की GF का रोल प्ले किया है। परेश रावल कोच के रोल में काफ़ी जच रहे हैं, बट फरहान के बाद टीज़र में किसी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करा तो वह है विजय राज। क्या एक्सप्रेशन है उनके, क्या डायलॉग डिलीवरी है उनकी, एकदम करता ज़बरदस्त। बात करें फरहान की तो फरहान ऐसे एक्टर्स में गिने जाते हैं जो अपने रोल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में दिखता भी है। चाहे भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का करेक्टर हो या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में मजनू का करेक्टर, उनकी एक्टिंग हमारे जहन पर एक छाप छोड़ जाती है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। उनकी फिल्म दिल चाहता है और लक्ष्य है अपने आप में एक मास्टरपीस मूवीज मानी जाती है। और डायरेक्टर मेहरा भी अपनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी मशहूर हैं। उनकी फिल्म में पर्सनल स्टोरीज़ के जरिए सोसाइटी का ब्रूटली ऑनेस्ट पोर्ट्रायल देखने को मिलता है। उनकी सारी फिल्मों में रंग दे बसंती मेरी फेवरेट है। हालांकि उनकी रीसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, पर उम्मीद करते हैं तूफान फिल्म के जरिए वे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाए। अब बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज़ डेट के बारे में। वैसे तो यह फिल्म 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ होने वाली थी, पर कोविड के चलते अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में सैडली रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब इस फिल्म को अमेजन प्राइम पे 21 मई 2021 को रिलीज़ किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या राकेश ओम प्रकाश मेहरा भाग मिल्खा भाग जैसा मैजिक क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के बारे में कि क्या यह फिल्म भाग मिल्खा भाग से बेटर होगी या वर्स्ट होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।